रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा में अजीबोगरीब आवाज आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा में भयानक और खतरनाक आवाजें आ रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2013 में जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है, दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल इन दोनों से बोलता है, साहब जी आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी भी कह रहे हैं इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक होगा। तभी राजू बोलता है, अरे गोपाल जी हमारी तो ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो हमें पूरा करना ही होता है। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़े और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही उस गुफा में उनके नाम की गुस्सेल आवाज गूंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मरोगे तुम दोनों, तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अनमोल, यार राजू ये कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब सोचना कम कर और अपनी टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा के अंदर की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ के ठीक पीछे से आ रही थी। उस कदमों के आवाज़ का पीछा करते हुए गुफा के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है। उस गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है, उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं, तभी उस दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल बेटा मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। तभी अनमोल उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, उस दरवाजे खोलने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, तभी पीछे से राजू की चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुन के अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास जाकर पहुंचा, वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनमोल, राजू ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का सा मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहता। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल, राजू देखो मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज में इस दरवाजे को पीछे से सुनी है, मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू, ये तो दरवाजा खोल कर देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर राजू के शरीर पर पड़ी। अनमोल, यार जब तुम गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जींस पहनी थी और अभी तुमने काली जींस और लाल शर्ट पहनी है, भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदले?
तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, डेविल, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के अंदर भेज दिया, जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक तो जा इस दरवाजे के तरफ, उस तरफ तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा कि इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। इस दरवाजे के अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अनमोल इससे पहले ही दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इस अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कोई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर इसके रहस्य जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। आज तक कई लोगों ने इस गुफा के अंदर जाकर इस रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं जा सका और न ही रहस्य को जान सका। थैंक यू।